कौन बताएगा? कौन सा था बच्चे लास्ट टॉपिक? क्या किया था हमने? याद होना चाहिए, इतनी भी दूर की बात नहीं है। यस, क्या था लास्ट टॉपिक हमारा? फोर लेक्चर्स बच्चे हमारे थर्मोडायनामिक्स के हो गए हैं, आज हम फिफ्थ लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन बता सकता है कि हमारा जो फोर्थ लास्ट लेक्चर था वो कौन सा था? लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक क्या था? हु इज गोना टेल मी अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ लास्ट लेक्चर, यानी कि लेक्चर नंबर फोर? किसी को याद नहीं है? अरे बड़ी गलत बात है बेटा। कौन कौन था मेरी लास्ट क्लास में, एक बार हैंड रेज करो तो। यस, हु वर देयर इन माई लास्ट क्लास? पूजा। ओके पूजा, और कौन था? पूजा ही थी सिर्फ? दिनेश भी था। तो फिर बच्चे कौन सा था लास्ट टॉपिक हमारा? मैं बताऊंगी ना, फिर इन्हें याद आ जाएगा। ओ यस मैम, यही था। एंथैल्पी पढ़ा था बच्चे हमने लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में हमने एंथैल्पी पे एंड किया था। आज हम स्टार्टिंग भी एंथैल्पी से ही करेंगे, क्योंकि आगे के जो फर्दर टॉपिक है दैट जनरली डिपेंड ऑन एंथैल्पी चेंज, वो हमारे एंथैल्पी चेंज को लेके सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं। तो उससे पहले एक हम क्विक रिवीजन रहेंगे अबाउट एंथैल्पी, ठीक है? एंथैल्पी में मैंने आपको बताया था एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ हीट ओनली, ये भी हीट की ही एक फॉर्म है। अब हम किस तरह से एंथैल्पी को हीट के साथ रिलेट करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस, ठीक है? वो अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। चलो लेट स्टार्ट विद द सेशन। सो एंथैल्पी से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। एंथैल्पी हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ी थी। एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी इज डिनोटेड विद द लेटर एच। एंथैल्पी क्या है? ये भी एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है, डिफाइंड टू स्टडी हीट चेंजेस इन अ केमिकल रिएक्शन। ये किस लिए यूज करते हैं? ये स्टडी डिफाइन करती है कि किसी केमिकल रिएक्शन में हीट कैसे चेंज हो रही है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट वन मिनट प्लीज। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यस ठीक है। सो बच्चे एंथैल्पी क्या है? थर्मोडायनामिक फंक्शन है। मैम कॉल अनदर कॉल। हाँ थोड़ा सा कॉल था, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। मुझे पता नहीं था किसका है, अननोन नंबर था तो उठाना पड़ा, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं था। सो नो प्रॉब्लम इन दैट। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सो एंथैल्पी क्या है बच्चे? एंथैल्पी एक थर्मोडायनामिक फंक्शन है
जो डिफाइन क्या करता है कि स्टडी ऑफ द हीट चेंजेस, हीट चेंजेस की स्टडी के बारे में वो हमें बताता है, ठीक है ना, कि हम किस तरह से हीट कंटेंट को, अच्छा हीट चेंज की बात करें तो हम क्या कहेंगे उसमें, देखो हीट चेंज की क्या बात करते हैं बताओ, कोई बता सकता है कि किस तरह से हीट चेंज होगी? देखो जैसे अगर हम क्या बोल रहे हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है वो CO2 बना रहा है बेटा, इसको रिएक्शन होने में रिएक्टेंट के छोटी सी हीट एच रिएक्टेंट जो है वो अलग थी और प्रोडक्ट की अलग थी, तो इन दोनों के बीच में जो हीट चेंज होती है, इन दोनों के बीच में जो हीट चेंज है उसको हम क्या बोल सकते हैं, हीट रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज एन एंथैल्पी, क्लियर? So, एंथैल्पी क्या है कि मान लो आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो, कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, उनके बीच में जो हीट चेंज होगी यूजिंग हीट डूइंग वर्क, हाँ वो भी आप कह सकते हो कि कोई भी काम करते हुए, हाँ मैं बच्चे रिपीट कर रही हूँ, देखो अगर हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन से पहले कितनी हीट थी और बाद में क्या हीट हुई, उनके बीच में जो चेंज आता है ना, डैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंथैल्पी, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी, सो उसको हम हीट कंटेंट भी बोल सकते हैं, डैट इन दिस वे यू कैन रिलेट एंथैल्पी एंड हीट विद ईच अदर, ठीक है, ये बात सबको क्लियर हुई, मेरी बात समझ आ रही है? देखो कि कोई भी रिएक्शन कराने में उन दोनों में हीट कितनी चेंज होती है, वो आपस में कितनी हीट इंटरचेंज करते हैं, डैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंथैल्पी, तो वो हीट कंटेंट इसीलिए हम उसको बोलते हैं क्योंकि वो जनरली रिलेटेड है हीट से, सो इट इज डिफाइंड एज एंथैल्पी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है बच्चे, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, यू क्या है हमारा इंटरनल एनर्जी है, यू हमारी इंटरनल एनर्जी है, पीवी क्या रहता है प्रेशर और वॉल्यूम, पी होता है हमारा प्रेशर और वी क्या होता है वॉल्यूम, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डेल्टा एच को हम क्यू पी की फॉर्म में लिख रहे हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू ऑफ पी, क्यू पी का क्या मतलब है, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, हमारा प्रेशर क्या है बच्चे कॉन्स्टेंट है, ठीक है, डैट वुड बी कंसीडर्ड एज डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी, तो अब हम क्या बोलेंगे कि डेल्टा एच क्यू पी के इक्वल कैसे आया, उसको अब हम निकालेंगे, तो हमने क्या मान लिया वॉल्यूम जो है चेंज हो रहा है बट प्रेशर कॉन्स्टेंट है, उसका पी कॉन्स्टेंट है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वर्क डन का W is equal to P delta V. Yes, we know ना, external work done is equal to P delta V होता है. अब अगर हम work done ले रहे हैं P delta V, तो यहाँ पे इसको positive ले लो, work done by the system होता है तो negative होता है, ठीक है ना, मैंने सबको बताया था ना by to negativity and positivity क्या रहती है on, तो हमने क्या बोल दिया work done on the system है, तो W क्या हो गया हमारा P delta V कर दिया। Now, first law of thermodynamics है हमारे पास बच्चे, Q is equal to U plus P delta V. First law of thermodynamics था ना, Q is equal to U plus W. W की जगह मैंने क्या put कर दिया, P delta V. U को क्या लिख सकते हैं, U2 minus U1. V, delta V को क्या लिख दिया, PV2, P V2 minus V1. अब U2 minus U1 plus PV2 minus PV1 कर दिया हमने. U2 plus PV2 हो सकता है और माइनस कॉमन लिया U1 plus PV1 आ जाएगा, तो U2 plus PV2 क्या हो गया हमारे पास H2 और U1 plus PV1 क्या हो गया हमारे पास H1, तो QP की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, इट इज इक्वल टू डेल्टा H और U2 plus PV2 हम H2 भी लिख रहे हैं और U1 plus PV1 को हम क्या लिख सकते हैं H1, तो QP को कर दिया ना रिलेट हमने डेल्टा H के साथ, ये चीज हमने निकाल दी कि कैसे जो QP है वो डेल्टा H के इक्वल होगा। लेट मी टेल यू वंस अगेन, एक बार दोबारा करते हैं हम इसको, सी सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी है बच्चे हमारे पास, क्यू पी मीन्स एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, अब हमने क्या बोला वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम विल चेंज एंड वर्क डन इज गिवन एज डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या है पी डेल्टा वी होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू पी डेल्टा वी, डेल्टा यू को क्या लिखोगे यू टू माइनस यू वन, डेल्टा वी को भी क्या लिख सकते हैं वी टू माइनस वी वन, यानी यू टू माइनस यू वन प्लस पीवी टू माइनस पीवी वन, यू टू प्लस पीवी टू कर दिया इधर, इनका माइनस कॉमन ले लिया यू वन प्लस पीवी वन, अभी अभी हमने पढ़ा है यू प्लस पीवी क्या होता है एच, तो यू वन प्लस पीवी वन किसके इक्वल हो जाएगा
H1 के, तो ये क्या आ गया H1 माइनस H2 यानी कि डेल्टा H. सो यू रिलेट केओपी विद डेल्टा H. और एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी की तरह क्या है बच्चे, स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन का क्या मतलब होता है, जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करती. यानी कि मान लो एक कंपनी है, वो क्या बोलती है अपने एम्प्लॉयज को, स्टेट फंक्शन को ऐसे हम देख सकते हैं कि एक कंपनी है वो क्या बोलती है कि मेरे पास अगर 3 इम्प्लॉय हैं, 3 जने हैं उसके पास, तो वो बोलती है मैं हर एक बंदे को ऑफिस तक पहुंचने के 100 रुपए दूंगी. अब एक पर्सन का घर यहाँ है और ऑफिस यहाँ है, उसको भी 100 रुपए मिल रहे हैं. एक बेचारा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, उसको भी 100 रुपए मिल रहे हैं. एक तो बहुत ही दूर से आ रहा है, उसको भी 100 रुपए मिल रहे हैं. तो ये क्या हो गया, ये हो गया स्टेट फंक्शन कि आप जैसे मर्जी आओ, मुझे नहीं पता, मैंने 100 रुपए ही देने हैं. मेरी तरफ से अगली गली से आओ या तुम बहुत दूर से आओ. सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज स्टेट फंक्शन कि जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप कितना पाथ फॉलो करके आ रहे हो, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा घर और तुम्हारा ऑफिस यहाँ तक के 100 रुपए. और पाथ फंक्शन कैसे होगा, अगर हम पाथ फंक्शन की बात करें तो ऑफिस वाले क्या कह रहे हैं कि आपको हर एक किलोमीटर के हिसाब से मैं 10 रुपए दूंगा, यानी 10 रुपीज पर किलोमीटर. अब इसका बेचारे का घर 2 किलोमीटर पे है, इसको मिले 20 रुपए, ठीक है. ये कितने से आ रहा है, इसका 10 किलोमीटर दूर है, इसको 100 रुपए मिल रहे हैं. ये 50 किलोमीटर से आ रहा है, तो इसको मिल भी 500 रुपए ही रहे हैं. यानी कि ये पाथ डिपेंडेंट हो गई थी कि कौन कितने दूर से आ रहा है, उसको उतने ही पैसे मिलेंगे. सो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज पाथ फंक्शन, जो पाथ पे डिपेंड करता है. तो इंटरनल एनर्जी हमारी और एंथैल्पी दोनों ही क्या है, स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते. सो दैट्स व्हाई दे आर स्टेट फंक्शन. ये बात सबको क्लियर हुई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस, प्लीज लेट मी नो. नो, ठीक है, नो नो नो. चल आगे चलते हैं, इससे पहले वाला पेज ही है बच्चे, एंथैल्पी वाला. अरे मिल तो जाती है ग्रुप पे पीडीएफ, मिलती नहीं है तुम्हें? मिलती तो है, फिर क्यों टेंशन ले रहे हो पेजेस की, मिल जाएगी अभी, ठीक है. अब देखो बच्चे, एंथैल्पी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो भी हीट चेंज हो रहा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज. और एंथैल्पी चेंज हम कैसे निकालते हैं बच्चे, डेल्टा एच आर हम कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है. जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है माइनस रिएक्टेंट की, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी चेंज. सो सिस्टम एंड स्टेट वन इज टेकन एज सिस्टम ऑफ रिएक्टेंट. जैसे हमने H1 लिया था, H1 को आप H रिएक्टेंट लिख लो और H2 वाले को आप लिख लो प्रोडक्ट, ठीक है, H प्रोडक्ट. तो आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है. जब हम क्या ले रहे थे, डेल्टा यू को हमने क्यूपी के इक्वल लिखा था, तब हमने क्या बोला था, कांस्टेंट प्रेशर. अब अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो उसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हो आप, क्यूवी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है. सो इन्होंने जनरल यही बताया कि हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट करके. गॉट माई पॉइंट? अच्छा, कोई ऐसे न्यू बच्चा भी है यहाँ पे आज की क्लास में? एनीवन हु इज न्यू इन दिस क्लास, जिसने मेरे को देखा ही पहली बार हो, एनीवन न्यू इन अवंती? आजकल न्यू स्टूडेंट भी आ रहे हैं. शिवम न्यू स्टूडेंट हो बेटा आप? ओके, ओनली शिवम इज द न्यू है. ओके शिवम, समझ आ रहा है ना बच्चा, लेक्चर 5 से स्टार्ट हुआ है थर्मोडायनामिक्स. सो मे बी समवट आपको इधर उधर से नोट्स कलेक्ट कर लेना, और नोट्स तो वैसे व्हाट्सएप के वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है. वीडियोस भी मिल जाएंगी, तो डोंट बी वरी, अगर कोई कुछ भी रह गया तो आप वीडियोस देख लेना, ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. अब हम डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे, ठीक है. डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू बिकम सिग्निफिकेंट ओनली वेन गैसेज आर इन्वॉल्व. ऑल्दो डेल्टा एच और डेल्टा यू सेम थिंग है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के लिए, लेकिन जब गैसेस होती है तब हम इनमें रिलेशन निकालते हैं. कैसे लिखते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी.
ठीक है, अब आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। अब एक इक्वेशन ले ली, एक कंडीशन क्या ली हमने, फर्स्ट कंडीशन क्या ली, इफ सब्सटेंस इज नॉट अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन और फेस चेंज, अगर सब्सटेंस जो है वो फेस चेंज नहीं कर रहा या फिर उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, तो एन और आर बच्चे कॉन्स्टेंट होते हैं, सिर्फ चेंजेस देखने को मिलते हैं डेल्टा टी में, तब एन और आर क्या होते हैं कॉन्स्टेंट, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, एन आर कॉमन ले लोगे, सिर्फ डेल्टा टी चेंज होगा। इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल हेबर प्रोसेस ले लिया मैंने, एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया बन रहा है। अब आप देखो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स फोर थे, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स टू रह गए, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तब किसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स में, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन ऑफ जी आर टी, ये चीज, ठीक है, डेल्टा एन ऑफ जी आर टी। तो ये चीज है हमारे पास केमिकल रिएक्शन में, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही और फेस चेंज नहीं हो रहा तो सिंपल सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आएगा। हाँ ठीक है, यस, ये सबको क्लियर हुआ, यस, वेरी गुड, यस, गुड गुड गुड, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, समझ लेते हैं फटाफट से, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट होती है बच्चे हमारे पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सो मीन्स जिसमें हीट निकलती है, जो हमें हीट देती है, एक्सो मीन्स जो हमें देती है, एंडो मीन्स जिसमें हम देते हैं, ठीक है, जो हीट लेती है, एक्सो जिसमें हीट प्रोड्यूस होगी, यानी रिलीज एनर्जी, विच विल रिलीज एनर्जी, डैट वुड बी कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट के साथ साथ हमें हीट भी देता है। इसकी एग्जाम्पल क्या रहेंगे बच्चे, कंबशन रिएक्शन, अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज कंबशन रिएक्शन, वुड बी द कंबशन ऑफ मिथेन, किसी भी चीज की कंबशन रिएक्शन होती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस ही होती है। मान लो अगर आप लकड़ी को जला रहे हो, तो सर्दियां आ गई अब तो करते हैं ना लोग, लकड़ी जलाते हैं, मोल्स कम ज्यादा है तो क्या चेंज होगा, रिलीज्ड, मोल्स कम ज्यादा होंगे तो बच्चे एंथैल्पी में चेंज आएगा, ठीक है ना, मोल्स कम ज्यादा होते हैं तो एंथैल्पी भी चेंज हो जाती है, हाँ हीट रिलीज करे, ठीक है, कब सर्दियों में हम लकड़ी जलाते हैं तो गर्मी मिलती है ना, हीट पैदा होती है उसमें से, सो दैट आर कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें से हीट क्या हो, रिलीज हो। और बच्चे जितनी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना, उन सब में डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, डेल्टा एच वुड बी नेगेटिव इन दैट केसेस। और अब अगर हम बात करेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन की, एंडो मतलब जिसने हीट लेनी है, जो क्या करती है, हीट लेती है, ठीक है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, विच एब्जॉर्ब एनर्जी, यानी रिएक्टेंट हीट लेके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, रिएक्टेंट्स को हम हीट देते हैं, देन इट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अच्छा एक जनरल एग्जांपल बताओ मुझे एंडोथर्मिक रिएक्शन का, कोई एक जनरल एग्जांपल, बहुत डेली लाइफ में कॉमन एग्जांपल है, आप सब करते होंगे या आप करते पता नहीं होंगे या नहीं, आपको उस चीज का प्रोडक्ट हमेशा रोज मिलता होगा, फोटोसिंथेसिस दैट अब्सॉर्ब हीट टू गिव द प्रोडक्ट, कह सकते हैं हम, कुकिंग इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेटा, व्हाट एग्जांपल वी कैन टेक, कुकिंग, देखा है ना कैसे हम रॉ मटेरियल को जस्ट हीट करते हैं एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू अ वेरी टेस्टी मील, ठीक है ना, टेस्टी मील में कन्वर्ट हो जाता है ना, आटे को गर्म गर्म करो तो अच्छी अच्छी रोटी बनती है, कौन कौन करता है कुकिंग, किसी को आती है, चीनी, यस मैम वेरी गुड, नो सनी कह रहे नहीं आती, कनिष्का को आती है, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों को आती है, हाँ मैम बस मैगी, अब मुझे तो मैगी भी अच्छे से बनानी नहीं आती, आई एम लाइक डैट, मुझे वो भी अच्छी नहीं बनानी आती, कभी पानी ज्यादा कभी कम, दैट्स ग्रेट, वेरी गुड, जिसको आती है थम्स अप फॉर हिम और हर, ठीक है, वेरी गुड। चलो ये थी बच्चे हमारे पास एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन, नाउ कम टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस।
अब हम बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस की। हमें पता है एंथैल्पी चेंज जो है, अब हम बात करेंगे बच्चों उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर ऑल रिएक्शंस। कई बार हमारे पास जैसे बहुत सारे स्टेप्स की भी रिएक्शन होती है, तो हम कैसे एंथैल्पी को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ चीजें जो बच्चे अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होती है ना, उनका डेल्टा एच जो है वो हमेशा क्या होता है, जीरो। जब वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में होती है, जैसे कि कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में हो, वैसे हमें पता है कार्बन डायमंड में भी होता है, फुलरीन में भी होता है, बट व्हेन कार्बन इज इन इट ग्रेफाइट फॉर्म, सल्फर एंड रोम्बिक एंड ब्रोमीन टू एज लिक्विड, आयोडीन टू सॉलिड में, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होती है, तो इन सब की जो डेल्टा एच नॉट वैल्यू है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो इनकी जो चेंज इन एंथैल्पी या स्टैंडर्ड एंथैल्पी वैल्यू है वो क्या रहती है, जीरो। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि जब वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होती है ना, तो उनकी वैल्यू भी जीरो होती है, वो हीट ट्रांसफर नहीं करती, डेल्टा एच उनका जनरली जीरो ही रहता है। अब हम बात करते हैं एक रिएक्शन की, मान लो हाफ ऑफ एच टू प्लस हाफ ऑफ सी एल टू एच सी एल बना रहा था। अब मैंने क्या बताया कि डेल्टा एच नॉट एफ को आप कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको हमने क्या लिख दिया, समेशन ऑफ ए आई एच प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ बी आई एच रिएक्टेंट। समेशन तो सब समझ ही गए कि जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका प्लस, ठीक है, समेशन उसको बोलते हैं। मान लो अगर यहाँ पे एच सी एल की जगह दो तीन प्रोडक्ट और बन रहे होते तो तीनों को प्लस। अब जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट है बेटा, तो दोनों का प्लस जो है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इट समेशन। लेकिन ये ए आई और बी आई क्या है, ए आई और बी आई हमारे पास क्या है, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। क्या है ये, इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ठीक है ना। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मींस जो इसकी बाहर की तरफ ये लिखे होते हैं, ये होते हैं इसके कोफिशिएंट। अब डेल्टा एच एफ की केस में एच सी एल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दोनों को प्लस कर दिया, समेशन लेना था रिएक्टेंट का। अब देखो एच टू गैस और सी एल टू गैस अभी अभी हमने पढ़ा स्टैंडर्ड में है, ये एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट क्या हो जाती है, जीरो। तो ये क्या हो गई हमारे पास, जीरो। तो डेल्टा एच एफ किसके इक्वल आ गया, सिर्फ एच सी एल के, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो थी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच सी एल के एग्जैक्टली इक्वल आ गई। तो ये इस तरह से आप निकालते हो, अगर आपको मान लो स्टैंडर्ड वैल्यूज में नहीं दे रखा, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, प्लस करते चलोगे, वैल्यूज आपको दे रखी होंगी, ठीक है। एंडोथर्मिक में एच पॉजिटिव होगा, हाँ बच्चे एंडोथर्मिक में एच पॉजिटिव होता है, ठीक है, ग्रेट, क्लियर है ये सब, सब ये बात सबको, यस। सो दैट्स द थिंग। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं बेटा। सो वेरी फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो पहली डेफिनेशन है वो है हमारी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल का बनना, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ एनी थिंग। तो द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है, डेल्टा एच एफ और डेल्टा एच नॉट एफ के बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जब ये नॉट लग जाता है ना, इन दोनों के बीच में कोई मेरे को बता सकता है क्या डिफरेंस होता है, एनी वन कैन टेल मी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। स्टैंडर्ड, बिल्कुल सही बच्चे, जहां पे नॉट लगा होता है ना, ये तो है हमारे पास हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। और डेल्टा एच नॉट की वैल्यू का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड। जहां पे भी नॉट लगा होता है इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड। अब जब हम स्टैंडर्ड वर्ड पढ़ रहे हैं ना, तो स्टैंडर्ड में क्या रहेगा बच्चे, कोई ना कोई हमारे पास क्या रहेगा, नॉट रेफर्स टू स्टैंडर्ड, हाँ नॉट रेफर्स टू स्टैंडर्ड कंडीशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड निधि, ठीक है। तो हमारे पास क्या रहता है बच्चे, अगर कोई भी आप स्टैंडर्ड वैल्यू पढ़ रहे हो ना, तो उसमें कुछ भी वैल्यू को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। अब जैसे स्टैंडर्ड में आप देखोगे हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड की स्टैंडर्ड वैल्यू कर दी क्या, वन मोल, व्हेन वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्मड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। वो हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड होना जब वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं हम फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट में, उसको हम डेल्टा एच एफ नोट के साथ भी डिफाइन करते हैं। और ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, डिपेंड करेगा एक्सो है तो नेगेटिव, एंडो है तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है।
सो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्या रहेगा, द हीट इवॉल्व और एब्सॉर्ब्ड व्हेन वन मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. जब भी कोई भी क्या रहता है कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, कितनी हीट एब्सॉर्ब कर रहा है कोई भी कंपाउंड जब वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में फॉर्मेशन बनाता है एलिमेंट्स की. सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, वन मोल रहता है. यहाँ पे देखो कार्बन और 2H2 कितने मिथेन का वन मोल बना रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके वन मोल ऑफ HI बना रहे हैं. सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. क्लियर. चलो नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन. कंबशन मतलब कोई भी मोल जो है वो कैसे बर्न होता है, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज कंबशन. अब स्टैंडर्ड में क्या आ जाएगी, वैल्यू स्टैंडर्डाइज करेंगे, यानी वन मोल. जब भी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं बच्चे, कोई वैल्यू स्टैंडर्डाइज कर दो, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन क्या होगा, द हीट इवॉल्व व्हेन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्नड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. कि कितनी हीट इवॉल्व होती है जब एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो है वो कंप्लीटली हम उसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन में. सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चे, कंबशन जो है दैट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर. वो हमेशा क्या होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि वो हीट क्या करती है, रिलीज करती है. तो ये वैल्यू डेल्टा एच नॉट सी जो है हमेशा ही नेगेटिव होगी. तो कंबशन क्या आ जाएगा, The heat evolved when one mole of any substance is completely burnt in excess of oxygen. जब एक मोल ऑफ सब्सटेंस को हम कंप्लीटली बर्न करते हैं एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन. मैम स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब है बच्चे जब वैल्यू स्टैंडर्डाइज हो जाए उसकी, यानी कि आपका नंबर ऑफ मोल वन रहे, प्रेशर वन बार हो, टेम्परेचर की वैल्यू भी स्टैंडर्ड हो, यानी 273 केल्विन हो. ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे जब हम चीज लेते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज. ठीक है ना, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड वन. क्लियर. यस घनश्याम. ग्रेट. नेक्स्ट देखो बच्चे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट आता है हीट ऑफ डिसोसिएशन. हीट ऑफ डिसोसिएशन का क्या मतलब है, कि किसी चीज को डिसोसिएट करना, यानी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल. कि H और H के बीच में ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज डिसोसिएशन. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी हम इसको बोलते हैं, या फिर हीट ऑफ डिसोसिएशन. यू कैन ऑल्सो सेड इट एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. यानी कि दो बॉन्ड्स को आपस में, दो मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को आपस में तोड़ने के लिए, मान लो दो बेस्ट फ्रेंड है ए और बी, इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगाओगे आप. यस, कितनी, किसी भी दो बेस्ट फ्रेंड के बीच में झगड़ा करवाने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत होती है. फ्यूजन बोल सकते हो आप, बिल्कुल. फ्यूजन भी टूटना ही होता है बेटा. फ्यूजन का मतलब भी क्या होता है, टूटना. फिजन और फ्यूजन. ठीक है. यस निधि, निधि wants to say something. Yes. So that would be कि कितनी एनर्जी की हमें बच्चे जरूरत है बॉन्ड को आपस में ब्रेक करने के लिए. That would be considered as heat of dissociation. या फिर हम उसको क्या लिखते हैं, bond dissociation energy. So heat of dissociation क्या आ जाएगा, amount of energy required to break one mole of bonds in a molecule. In gas phase में होते हैं molecule, और उनको गैशियस एटम में ही हम कन्वर्ट करते हैं. दैट वुड बी कंसीडर्ड एज हीट ऑफ डिसोसिएशन. ठीक है. नेक्स्ट आता है हीट ऑफ फेस चेंज. यानी कि फेस चेंज, फेस का क्या मतलब होता है, स्टेट. सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है, लिक्विड से गैस में, या सॉलिड से गैस में, तो उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. ठीक है. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ अ सब्सटेंस. कितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है फेस ऑफ सब्सटेंस को चेंज करने के लिए, कि उसका फेस चेंज करने के लिए आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है. दैट वुड बी कंसीडर्ड एज हीट ऑफ फेस चेंज. सो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द फेस ऑफ अ सब्सटेंस. मान लो एक चीज आइस थी, उसको मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट की जरूरत है. ठीक है. दैट वुड बी कंसीडर्ड एज डेल्टा एच फॉर दैट फेस चेंज. तो सॉलिड से अगर हम लिक्विड में जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फ्यूजन. तो उसको आप किससे डिफाइन करोगे, डेल्टा एच नॉट फ्यूजन से. लिक्विड से गैस का मतलब वेपराइजेशन. लिक्विड टू गैस क्या होती है, वेपराइजेशन.
उसको हम डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन लिखेंगे, सॉलिड से गैस यानी कि सब्लिमेशन, सब्लिमेशन उसको हम क्या बोलेंगे, सब डेल्टा एच सब एच नॉट। सो डैट्स वैल्यू, वो हीट जो आपको जरूरत है, ठीक है ना, जो आप दे रहे हो किसी भी सब्सटेंस को उसका फेस चेंज करने के लिए, दैट वुड बी हीट ऑफ फेस चेंज। ठीक है, अब अगर हम सॉलिड टू लिक्विड का एक एग्जांपल ले, आइस टू वाटर हो जाता है, इसका एग्जांपल आइस टू वाटर होगा। अच्छा, लिक्विड से गैस का वाटर टू वेपर्स, और अगर बच्चे हम सॉलिड टू गैस ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, कैम्फर, कैम्फर की गोलियां, फिर सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में नहीं बनती। ठीक है, सो दिस वुड बी कंसीडर्ड एज हीट ऑफ फेज चेंज। तो डेल्टा एच नॉट फ्यूजन क्या है हमारे पास, डेल्टा एच फ्यूजन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वन एटमोस्फेरिक प्रेशर, की कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वन मोल ऑफ सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए किसी कॉन्स्टेंट प्रेशर, किसी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे। ठीक है, दैट वुड बी डेल्टा एच नॉट फ्यूजन। वेपराइजेशन में हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट यू रिक्वायर टू वेपराइज वन मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी वन मोल ऑफ सब्सटेंस को वेपराइज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। सब्लिमेशन में क्या आ जाएगा, कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है टू सबलाइम वन मोल ऑफ सब्सटेंस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वन एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे देखो सारी स्टैंडर्ड कंडीशन है, नंबर ऑफ मोल वन है, टेम्परेचर हमारा कॉन्स्टेंट है और प्रेशर कितना है वन एटमोस्फेयर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में चीजें हो रही हैं, तो डैट वुड बी कंसीडर्ड एज डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन। क्लियर है? यस, यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? बिल्कुल, कपूर एग्जांपल होगा। अच्छा, फ्यूजन मैंने उल्टा बोल दिया था, ओके ओके न्यू, हाँ ठीक है, मेरे को फ्यूजन एड फ्यूजन होगा, फ्यूजन होता है तो अलग होना है। हाँ तो अलग हो रहे थे ना, ठीक ही तो कह रहे थे फिर बेटा, हम भी तो डिसोसिएट कर रहे थे, फ्यूजन होगा, हाँ फ्यूजन बोल दिया था शायद, फ्यूजन होगा, ठीक है बिल्कुल सही है, ग्रेट। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा हीट ऑफ एटमाइजेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, हीट ऑफ एटमाइजेशन। एटमाइजेशन का क्या मतलब है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल इनटू गैसियस एटम। ये हमारा हीट ऑफ एटमाइजेशन समवट सिमिलर है बॉन्ड डिसोसिएशन से। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से सिमिलर है, उसमें भी क्या था बच्चे कि किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है ना, उसको हमने बॉन्ड डिसोसिएशन बोला था। अब हीट ऑफ एटमाइजेशन कहाँ आएगी, ये देखो, अगर सॉलिड से गैस में जा रहे हो, इसको तो आप सबलाइन में भी लिख सकते हो, दिस कैन बी कंसीडर्ड एज सबलाइन। इसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में भी लिखेंगे कि इन दोनों के बीच का हम बॉन्ड तोड़ रहे हैं, सो दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एटमाइजेशन कब आता है, जब बच्चे हम पोली एटोमिक मॉलिक्यूल्स लेते हैं, यानी CH4 आपने लिया है, तो चार बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कि चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज हीट ऑफ एटमाइजेशन। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल इनटू गैसियस एटम, डेफिनेशन सेम ही है जो बॉन्ड डिसोसिएशन की थी। देखो यहाँ पे मेंशन भी करा है फॉर अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे सिंगल था ये वाला हमारा सोडियम गैस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको आप सबलाइन भी लिख सकते हो। डाई एटोमिक मॉलिक्यूल यानी H2 था, इस तरह का HH का बॉन्ड तोड़ने वाला, उसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लिख सकते हो। लेकिन जब हमारे पास क्या आते हैं पोली एटोमिक मॉलिक्यूल, जैसे CH4 आ गया, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स टू फॉर्म गैसियस एटम, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच एटमाइजेशन। क्लियर ये बात सबको? यस, इज इट क्लियर? यस और नो? यस, एक सेकेंड, इसका कोई एग्जाम्पल किसका बच्चे, एग्जाम्पल दिया तो मैंने CH4, चारों बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, 1, 2, 3, 4 बॉन्ड, उसको क्या बोलोगे, एटमाइजेशन। और अगर सिर्फ एक सिंपल सॉलिड से इसको गैस में कन्वर्ट करना है तो ये सब्लिमेशन हो गई, और अगर आपको दो HH का बॉन्ड तोड़ना है तो वो क्या हो गई हमारे पास, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है ना, क्लियर? यस, वेरी गुड।
देखो नेक्स्ट आती है बच्चे एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अगर हमारे पास चार स्टेप में हो रही है रिएक्शन तो हम उसका एवरेज ले लेते हैं। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी क्लास में अभी 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब मुझे 20 स्टूडेंट्स को, मैं किसी को भी पर्सनली नहीं जानती, आई डोंट नो अबाउट एनी वन, बट मैं ये जरूर बोलूंगी कि ये जो बच्चे हैं ये 15 to 17 एज ग्रुप के हैं। यानी मैं एक एवरेज वैल्यू दे दूंगी कि सारे बच्चे 15 से 17 साल की एज ग्रुप के होंगे। एम आई करेक्ट? सभी इसी एज ग्रुप के बच्चे हैं यहाँ पे? यस, हाँ बिल्कुल। तो वही चीज है बच्चे, हर किसी चीज का एक एवरेज निकाल लेना, ठीक है, उसका एवरेज निकालना, डैट वुड बी कंसीडर्ड एज एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितनी एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। अब जैसे CH4 है, आपको पता है पहले इसका CH3 और H बनेगा, फिर CH3 दोबारा से CH2 में जुड़ेगा, फिर H देगा, फिर CH2 CH और H देगा, ठीक है ना, फिर CH जो है फिर जाके C और H देगा। तो इन चारों स्टेप की अलग अलग एनर्जी होगी। मान लो इसकी 50 है, इसकी 52 है, इसकी 51 है, इसकी 49 है, तो मैं क्या करूंगी, इनकी एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे, दैट वुड बी इस तरह से मीन वैल्यू बोल दो आप उसको। तो वो एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें चाहिए ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन पोली एटोमिक मॉलिक्यूल इंटू गैशियस एटम। पोली एटोमिक मॉलिक्यूल को गैशियस एटम में जो भी एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड को, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन। यानी CH4 जो है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी दिए CH3 और H में, इसकी फर्स्ट बॉन्ड एसोसिएशन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो इन इनको कैसे हम कर सकते हैं, इनकी मीन वैल्यू ले लो, यानी H1 + H2 + H3 + H4 / 4, ये आ जाएगी इसकी एवरेज वैल्यू। सो वो दैट वुड बी एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स इन अ पोली एटोमिक मॉलिक्यूल इन टू गैशियस एटम। सो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज हीट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, हेस्लो आगे पढ़ेंगे सनी, हेस्लो में तो पूरा प्रॉपर बताएंगे आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हेस्लो करेंगे। आज के सेशन में तो नहीं हेस्लो तक पहुंच पाएंगे, आगे पहुंचेंगे अगले सेशन में, के नोट टू बी वरीड। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चे हीट ऑफ लैटिस और हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में। हीट ऑफ लैटिस का क्या मतलब है, लैटिस क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन टू आयन्स इन देयर गैशियस एटम। यानी कि आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है उसको 1 मोल में किया, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को उसके आयन्स में कन्वर्ट करने के लिए, यानी उनको आयन्स में तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज लैटिस एंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन टू आयन्स, जब भी हम रिक्वायर की बात करते हैं ना, यानी हम एनर्जी दे रहे हैं, तो उस केस में डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, सो लैटिस में हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, हाउ मच एनर्जी वी आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन टू आयन्स इन देयर गैशियस स्टेट, उसको हम क्या बोलते हैं, NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तोड़ने के लिए, आयन्स में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज हीट ऑफ लैटिस। नेक्स्ट है डेल्टा एच हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में क्या है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड गेट्स हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जब वो गैसियस से एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी कि आपके जो आयन्स है वो पहले गैसियस फॉर्म में थे, उनको एक्वस फॉर्म में जब वो कन्वर्ट होते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि वो हाइड्रेटेड मतलब एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज डेल्टा एच हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन उसको बोला जाता है। तो क्लियर हुआ सबको लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी? यस, ये क्लियर है ना? आज हम सारी डेफिनेशंस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे हीट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या आएगी हमारे पास, हीट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब कि कितनी एनर्जी, इट इज द चेंज इन हीट, चेंज इन एंथैल्पी, जब हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए वो वाटर में। ठीक है, NaCl को प्रॉपरली वाटर में डिसॉल्व होने के लिए
कितनी एनर्जी की जरूरत है, डैट वुड बी कंसीडर्ड एज हीट ऑफ सॉल्यूशन। हमें भी पता है नमक जो है पानी में तभी घुलता है जब वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है ना। नमक पानी में कब घुलता है, जब वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है निधि, मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चे, हीट ऑफ लैटिस एंथैल्पी क्या होती है कि कितनी एनर्जी आपको जरूरी है आयनिक कंपाउंड को आयंस में तोड़ने के लिए, यानी NaCl को Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में तोड़ने के लिए आपको कितनी एनर्जी की जरूरत है, दैट इज हीट ऑफ लैटिस। और डेल्टा एच नॉट हाइड्रेशन का क्या मतलब है कि कोई आयनिक कंपाउंड जब एक्वस में कन्वर्ट होता है, जब वो गैशियस से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये होता है लैटिस, मतलब कितनी एनर्जी आप दोगे कि वो आयंस में टूट जाए। हाइड्रेशन मतलब कितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा कि वो हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब क्लियर है निधि, ग्रेट बच्चे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हीट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल को उसको कंप्लीटली डिसॉल्व होने के लिए वाटर में कितनी एनर्जी वो लेता या देता है, डैट वुड बी कंसीडर्ड एज हीट ऑफ सॉल्यूशन। यानी हाउ मच एनर्जी यू आर रिक्वायर्ड टू फॉर वन मोल ऑफ सब्सटेंस टू कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, कि वो अच्छे से पानी में घुल जाए, उतनी एनर्जी की जरूरत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन। सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये डिपेंड करती है कि किसी को एनर्जी हमें देनी पड़ती है और कोई एनर्जी रिलीज करता है घुलने के बाद। ठीक है, ये भी क्लियर है सबको, हीट ऑफ सॉल्यूशन, यस क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चे हीट ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन का क्या मतलब है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट इन आयंस, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट की हमें जरूरत है जब हम उसको कंप्लीटली डिसोसिएट करना चाहें आयंस में, यानी HCN को आयंस में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, डैट वुड बी कंसीडर्ड एज हीट ऑफ आयोनाइजेशन। यानी कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड व्हेन वन मोल ऑफ कंपाउंड कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस, कितनी एनर्जी आप दोगे कि वो कंप्लीटली आयंस में टूट जाए, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज हीट ऑफ आयोनाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ आयोनाइजेशन। क्लियर, नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन, यस कौन बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रलाइजेशन, यस फटाफट से, एसिड बेस रिएक्शन, बिल्कुल। देखो बच्चे, कई बारी पेट में ज्यादा खा लेने से क्या हो जाती है, एसिडिटी, फिर हम देखते हैं इनो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, वो 6 सेकंड में करता क्या है, इनो ऐसा क्या कर देता है वो, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। जनरली हमारे पेट में एक्सेस ऑफ एसिड हो जाता है जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। इनो बेस का काम करता है बच्चे, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर, वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि वो हीट इवॉल्व हो जब एसिड जो है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाए बेस से इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब हमें पता है कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये चीज में न्यूट्रलाइजेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। सो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, वो हीट का इवॉल्व होना जब एसिड जो है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है बेस के साथ इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना, HCl को NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं, so that will be converted into NaCl along with water molecule, तो थोड़ी सी हमारी जो हीट है वो इवॉल्व होती है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर ये बात सबको, यस एनी प्रॉब्लम अप टू दिस, यस निधि कुछ पूछना है बेटा, यस एनी क्वेश्चन, यहाँ आयंस अलग अलग क्यों है, आयंस डिसोसिएट हो गया ना बच्चे, अगर हम आयंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
यू कैन राइट एच सी एल प्लस एन ए गिव्स एन ए सी एल अलोंग विद वॉटर. यहाँ पे एच सी एल के आयन्स डिसोसिएट करके लिखे हैं कि एच पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव, एन ए पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आयन्स ले लिए टोटली, ये इस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, यू कैन टेक एच सी एल एंड एन ए एच एज वेल. ठीक है, या तो यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो ही और शी कैन आस्क. ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे. ठीक है, अप टू दिस पोर्शन ओनली, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तक. तो आज की क्लास में किसी को भी कोई डाउट? यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट अप टू दिस?